ODF सर्वे को लेकर नगर निगम निश्चित, रैंकिंग और बेहतर होने की उम्मीद है नगर निगम को। अधिकारियों को अपने कर्मचारियों की मेहनत पर पूरा भरोसा। स्वच्छता सर्वेक्षण और बेहतर करने को लेकर नगर निगम अपनी तैयारी लगातार जारी रखे हुए है। पिछले बार से बेहतर परिणाम की पहली शर्त है खुले में शौच से मुक्ति। इसी बात का पता लगाने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दल रीवा पहुंचा। दल ने रीवा शहर के उन तमाम इलाकों का दौरा किया जहां पर लोग खुले में शौच के लिए जा सकते थे। वो इलाके थे शहर से लगी हुई स्लम बस्तियां, शहर में बह रहे नदी नालों के किनारों के इलाकों के साथ सार्वजनिक स्थल। ODF टीम को रीवा शहर में कहीं भी खुले में शौच के लिए जाने वाले लोग नहीं मिले। माना जा सकता है नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने इस दिशा में बेहतर काम किया है। इस बारे में रीवा दर्शन ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अरुण मिश्रा, जिन्होंने इस पूरे मिशन की बागडोर संभाल रखी है, से बातचीत की। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। हमारे कर्मचारियों ने लगातार मतलब विगत 3 वर्षों से अच्छी खासी मेहनत की है और ODF के लिए हर आदमी को समझाइश दी कि बाहर खुले में शौच न जाए, उसका लगभग लोगों ने पालन किया है और लगभग सभी लोग जिनके पास शौचालय नहीं है वो आसपास के सुलभ में जाते हैं और सुलभ की व्यवस्था नगर निगम द्वारा लगभग 10 सुलभ जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के निःशुल्क रखे, उसका भुगतान नगर निगम करता है और लोग उसका उपयोग करते हैं। इसलिए कहीं भी खुले में शौच करता हुआ आदमी नहीं पाया गया, ना ही कोई ओपन डिफिनेशन पाई गई। आपकी जो रैंकिंग है वो बरकरार रहेगी, उससे अच्छी होनी चाहिए मेरी रैंकिंग, मैं कोशिश ये करूँगा।